नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर आज सुबह सुबह बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। यूपी के बुलंदशहर से माता वैष्णो देवी दर्शन करने जा रही श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें मौके पर एक ही परिवार के 7 लोगों की जान चली गई। हादसे में बाल बाल बचे परिवार के सदस्य ने बताया कि उनकी मिनी बस के आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिया और उनकी गाड़ी पीछे से ट्रक में जा भिड़ी, जिसके बाद मिनी बस में सवार लगभग 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये दर्दनाक मंजर दिल्ली जम्मू हाईवे पर अंबाला के नजदीक का है, जहां सुबह सुबह बेहद दर्दनाक हादसा हो गया और एक ही परिवार के 7 लोगों की जान चली गई। दरअसल यूपी के बुलंदशहर से एक पूरा परिवार माता वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहा था, लेकिन अंबाला के नजदीक उनकी मिनी बस के आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए और टेम्पो ट्रेवल का ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाया और मिनी बस पीछे से ट्रक में जा भिड़ी। हादसा इतना भयंकर था कि परिवार के 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 4 लोगों की अस्पताल में जान चली गई। हादसे में बाल बाल बचे परिवार के ही सदस्य ने बताया, मिनी बस में एक ही परिवार के लगभग 30 लोग सवार थे और एक्सीडेंट में सभी बेहद रूप से गंभीर घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल भेज दिया गया है। और कहां से आप कहां जा रहे थे? जी, मेरा नाम धीरज कुमार है, हम यूपी बुलंदशहर ककोड़ के रहने वाले हैं और वैष्णो देवी माँ के दर्शन के लिए जा रहे थे। कितने फैमिली मेंबर थे आप इस गाड़ी में? करीब होंगे 25-26 लोग होंगे फैमिली मेंबर। कितने लोग जख्मी हुए और कितने लोगों को चोट आई है? सर, इसमें हम 3 लोग एक्सपायर हो चुके हैं सर और बाकी सब लोग जख्मी हैं मुझे छोड़ के। तो कितने लोग जख्मी हैं, कितने लोगों की? सर, 3 लोग मौत के पे एक्सपायर हो चुके हैं, बाकी लोग सर गंभीर स्थिति है 2-3 लोगों की, बाकी सब लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, देखो क्या होता है। सर, बुलंदशहर से निकले थे हम, यूपी बुलंदशहर ककोड़ से, ककोड़ झाझर, और वैष्णो देवी माँ के दर्शन के लिए जा रहे थे सर। सर, हमारी गाड़ी चल रही थी, हमारी गाड़ी के आगे एक ट्रक था, ट्रक के आगे से इस पेट्रोल पंप पे उसने गाड़ी काटी थी, ट्रक वाले ने इमरजेंसी ब्रेक मारे, हमारी गाड़ी ट्रक में आके लगी है। क्या नाम है आपका, क्या कुछ ये हादसा हुआ था, कहाँ से आ रहे थे आप लोग? मेरा नाम शिवानी है, हम और एकदम जैसे हम निकले तो पहले ही कूद का भाग रहा, ड्रिंक कर रखी। तो कितने लोग थे आप लोग? 35 जने, 30-35 जने हैं। तो एक ही परिवार के थे या अलग अलग? एक ही परिवार के। तो कहाँ जा रहे थे? वैष्णो देवी जा रहे। तो कितनों की मौत हुई है अभी? अभी 7 जने की सुनने, 7 जने की मौत हो चुकी है। तो क्या कोई घायल है? घायल है सभी, सारे एक ही परिवार से है। हाँ। और जिनकी डेथ हुई है वो भी हमारी परिवार है। तो सीरियस कंडीशन है अभी फिलहाल किसी की? हाँ, सभी की सीरियस है। तो अभी नाक में से भी खून बंद हुआ है अभी थोड़ी देर पहले। तो ड्राइवर मौके से फरार? हाँ, ड्राइवर फरार हो गया पहले ही। तो एक्सीडेंट हुआ किसके साथ था? हम सबकी आँख लग गई तो पता ना चला कैसे हुआ, ड्राइवर ने उल्टी साइड मारी है, अपनी साइड ना मारी, अपनी साइड मारता तो वो खुद मर जाता। ठीक है। भयंकर हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिलहाल ट्रक चालक फरार है, लेकिन ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है, केस रजिस्टर कर अगली कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही जान चली गई थी। देर आधी रात के समय ये क्या हादसा हुआ, कितने समय, क्या समय सर, इस समय और कितने लोग इसमें जख्मी हुए और कितने लोगों की मौत हुई है? सर, ये टेम्पो ट्रैवलर है और बुलंदशहर से चले थे परिवार माता वैष्णो देवी पे जाने के लिए, और अभी NDI प्लाजा ये मोड़ा थाना पड़ाव में पड़ता है, डिट रोड पे, तो एक ट्राला था उसके पीछे से टकराई है। तो अभी तक हमारे पास 4 व्यक्तियों की मौत की सूचना है, बाकी हम पता कर रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। सर, कहाँ से कहाँ जा रही थी ये जो टेम्पो ट्रैवल थी? ये बुलंदशहर से वैष्णो देवी के लिए जा रहे थे। सर, जिसके साथ इसका हादसा हुआ उसको मौके पे गिरफ्तार कर लिया गया या क्या, ड्राइवर का क्या? नहीं, हमने ट्रक काबू कब्जे में लिया है, अभी वो मौके से फरार हो गया है, तो अभी ट्रक कब्जे में लिया, अगली केस रजिस्टर करके अगली कार्रवाई करेंगे। घायलों को लेकर जानकारी देते हुए सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया, इस हादसे में अभी तक 7 लोगों की जान जा चुकी है और कुछ की हालत अभी सीरियस है,
जिन्हें रेफर किया जाएगा। डॉक्टर ने बताया कि कुछ घायलों का इलाज सिविल अस्पताल में तो कुछ का इलाज नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में भी जारी है। कुछ ही पूरा मामला था, देखिए हमारे पास जैसे कि एम्बुलेंस वाले कुछ एक्सीडेंट के केस को लेके आए थे, जिसमें एक टेम्पो ट्रैवलर थी जो बुलंदशहर से माता वैष्णो देवी की तरफ जा रही थी। इसमें जो है 26-30% ट्रैवल कर रहे थे, जिनमें से हमारे पास जो है 8% हमारे पास आए हैं और जिनमें 3 की डेथ हो चुकी है, जो कि हमने डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया है। 8 जो है उनमें से 3 गंभीर हैं, उनका 8 का इलाज चल रहा है। जो 3 गंभीर हैं उनको हम रेफर की तैयारी कर रहे हैं। और भी कोई हुई है? हाँ, इसके अलावा भी बता रहे हैं जो कि उनके साथी हैं, वो बता रहे हैं कि 4 डेथ इसके अलावा भी जो है हुई है वो आदेश मेडिकल कॉलेज में, और इनके जो बाकी साथी हैं वो भी आदेश मेडिकल कॉलेज में उपचार दिए हैं। किया गया है अभी तक? नहीं, अभी तक हम मेरे पास जो है 8 पेशेंट हैं जिनको अभी हमारे पास एडमिट है, वो उनका अंडर ट्रीटमेंट है। उनमें से जो है 3 सीरियस हैं, उनको हम रेफर का देख रहे हैं, लेकिन अभी सबकी स्थिति ठीक है। तो कितने बजे आए थे ये लोग? ये लगभग हमारे पास 2:30-3 बजे के आसपास आए थे। करनाल से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।